पहले सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. असल शादीशुदा इंसान की जिंदगी में 15 अगस्त कभी नहीं आता. उसके सीधे 26 जनवरी आती है. उसकी जिंदगी में सीधा बीवी के बनाए हुए कानून लागू होते हैं. ओहो, सारी जिंदगी. हाँ. जैसे आस पड़ोस की औरतों से हंस के बात नहीं करोगे. किसी लड़की को अपनी सेक्रेटरी नहीं रखोगे. कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कब आओगे, इसकी सही जानकारी दोगे. बिना पत्नी के ऑफिस का कोई ट्रिप नहीं बनाओगे. जितनी बार भी तुम्हें फोन किया जाए रिसीव करोगे. अगर पत्नी का वीडियो कॉल आ जाए तो उसको आसपास का सारा माहौल दिखाओगे. आपको नहीं लगता अंग्रेजों के कानून जो थे वो कम सख्त थे? आपके तो और कठोर होंगे. उसमें तो हाथ मरोड़ना गला दबाना भी होगा, आई एम श्योर. अच्छा, 15 अगस्त के दिन आप सबको पता कि लोग झंडा फहराते हैं और आजादी का जो है ये दिवस मनाते हैं. हमारा ये अपना आकाश तबले वाला, ये 3 अगस्त को झंडा फहरा रहा था. मैं कहा भाई आज तो राखी है. कहता मेरा 15 अगस्त आज ही, मेरी बीवी मायके गई हुई है. जो हस्बैंड इस गलत फहमी में आ जाते हैं ना कि 15 अगस्त है हम आजाद हैं और सोसाइटी के फंक्शन में जाके बगल वालियों को ताड़ रहे हैं, फिर उनकी बीवी ना उनको 21 कोहनियों की सलामी देती है, वो भी पैन क्रियास के ठीक 1/2 इंच नीचे. अच्छा, इस बार बहुत सी जगह इंडिपेंडेंस डे जो है ऑनलाइन मनाया जा रहा है. बहुत सी जगह नहीं बल्कि हर जगह ही. इससे अर्चना जी हमारी बड़ी परेशान हो गई, क्योंकि सब इनको व्हाट्सएप पे लड्डू भेज रहे हैं. अदरवाइज तो इनके घर पे इतने लड्डू इकट्ठे हो जाते थे, हलवाई के पास उतने नहीं होते थे. बचपन में भी आपके तो, हम उस दिन परमीर सर आए थे, आपके बारे में काफी बता रहे थे. क्या कहते, बचपन से ही लड्डू उठाने में बड़ी माहिर थी. अच्छा। स्कूल में सब बच्चों को दो दो लड्डू मिलते थे ना, ये 2 लड्डू का बना के एक कर लेती थी. मेरे को एक. सर मेरे को तो एक ही मिला है. वो कहता था बेटे आपका लड्डू कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है. सर मेरा हाथ भी तो देखो कितना बड़ा है. अच्छा, 15 अगस्त में ना बहुत से स्कूल में ऐसे ग्रुप फोटो खींचती है, तो जो अच्छे बच्चे होते हैं ना ऐसे खड़े करके फोटो खिंचवाते हैं. कुछ मेरे जैसे होते हैं जिनका ध्यान टेबल पे होता है जहाँ लड्डू लगे होते हैं. सारे बच्चे इधर देख रहे हैं, वो इधर देख रहे होते हैं. आपकी फोटो भी देखी मैंने. अच्छा? बाकी हम तो ऐसे देखते हैं, ये ऐसे देख रही. मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हमारी जो अर्चना जी घर पे हमेशा इतनी देशभक्त हैं, 15 अगस्त पे हमेशा एक नाटक करती हैं घर पे, जिसमें ये अंग्रेज बनती हैं और परमीत सर जो हैं वो क्रांतिकारी बनते हैं. अच्छा? और फिर ये बोलती ठुमको 3 गुना काम करना पड़ेगा, बहाने बहाने सारा काम कराती हैं. एक दिन परमीत सर ने कहा आज मैं अंग्रेज बनता हूँ. उस दिन इन्होंने डायलॉग चेंज कर दिया, कहती अंग्रेज हो भारत छोड़ो नहीं तो घर का काम करो. ये दिनेश अपना, ये तो कॉलेज के ड्रामा में ना ये बना हुआ था क्रांतिकारी. हाँ. और नारे लगा रहा है अंग्रेज हो भारत छोड़ो अंग्रेज हो, और सामने एक फॉरेनर बैठी हुई थी, इस वाली को छोड़ के बाकी सारे भारत छोड़ो. अच्छा भला हो 15 अगस्त 26 जनवरी का. हाँ. उस दिन ना कुर्ता पजामा धोती बड़े खुश होते हैं, जैसे आज मैंने पहना है. नहीं तो बेचारे सारी उम्र विदेशी जींस के नीचे तह लगा के पड़े रहते हैं. लेकिन इतने दिनों बाद जब आप कुर्ता पजामा निकालते हो ना तो प्रॉब्लम बड़ी आती है. क्यों? कुर्ते के बटन नहीं मिलते. हाँ. पजामे का नाड़ा नहीं मिलता. इंडियन लोग जुगाड़ करते हैं, जैसे अपना ये पांडे, इसका नाड़ा ना मिला तो इसने क्या किया, पजामे को फोल्ड करके अंडरवेयर में डाल दिया. मैं कहा ये क्या है. कहता भाई आज के दिन किसी की आजादी नहीं छीनी, खुला रहने दो. प्रॉब्लम तब हुई यही सोच कच्चे के मन में आ गई, उसने भी उसको आजाद छोड़ दिया. अच्छा, लड़कियों को फैशन करने का बहाना चाहिए होता है. आप देखना इंस्टाग्राम पे चले जाओ आप 15 अगस्त पे, लड़कियां क्या कहती, सफेद कलर का कुर्ता, नारंगी लिपस्टिक और हरे रंग के झुमके, और फिर फोटो डालेंगी कि आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली, बड़ी मुश्किलों से मिली. बड़ी मुश्किलों से इनका मतलब ये होता है कि ये जो नारंगी रंग की लिपस्टिक और हरे रंग के झुमके है ना, ये लोखंड वाला में घूम घूम के हमने ढूंढे हैं, तब जाके हमारी ये फोटो आई है. और कई लोग तो ज्यादा ही क्रिएटिव हो जाते हैं, जैसे आप हमारे लोगों को देखो, इन्होंने बड़ा ट्राई कलर के वो सब पहने हुए अलग अलग, और मैंने भी आज पहना हुआ. जैसे हलवाई लोग मिठाइयां बना देते हैं तिरंगे के कलर की, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये खानी है कि सलूट मारने. एक नेताजी बेचारे 3 रंग की मिठाई खा रहे थे ट्राई कलर की, उनको देख के बच्चा कहता अंकल देश खा गए, अंकल देश खा गए. अच्छा, 15 अगस्त के मौके पे देश में राफेल फाइटर प्लेन आए हैं. हाँ. आप देखना जो छोटे न्यूज चैनल ना जिनका ज्यादा बजट नहीं है ग्राफिक्स बनाने का भी, वो बेचारे अपने तौर पे लगे रहते हैं. हाँ. ये क्या करते हैं, ग्राफिक्स से राफेल का कॉकपिट बना लेते हैं ऐसे. इनके पास एयरफोर्स की ड्रेस तो होती नहीं है, तो वो पीपी किट पहन के खड़े हो जाते हैं. कुछ लोग तो स्कूटर का हेलमेट लगा के आ जाते हैं, फिर ऐसे समझा रहे होते जैसे राफेल इनके बाप दादा ने बनाया हो. देखिए ये वो खतरनाक बटन है जिसको एंगेज करने पे एक ऐसी मिसाइल निकलती है जो ठाए करके सीधे दुश्मनों के मंसूबे नेस्तनाबूद कर देती है. अच्छा, जिन्होंने राफेल बनाया वो सोच रहे होते कि इतने सालों से बना रहे ठाए करके हमारी मिसाइल कब निकलती है.
और ये जो एक्सपर्ट बन के राफेल के बारे में बता रहे होते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जो अपने बच्चों के लिए कागज का जहाज भी बना के उड़ाते हैं ना, हाँ। तो वो भी सीधा नहीं जाता, घूम के ठाए करके इनकी नाक पे लगता है। कुछ लोग तो ऐसे दिनों पे स्पेशल स्पीच तैयार करते हैं जो सोसाइटी के चेयरमैन होते हैं, हाँ। या कोई स्कूल के प्रिंसिपल, और ऐसे भाषण देते ना सबको जोश आ जाए। ये आजादी की कीमत, हाँ। उनसे पूछो जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था, हाँ। हमें गर्व है कि हम आजाद हिंदुस्तान की उस मिट्टी में पैदा हुए हैं, और देश के लिए हमें भी खून देना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। तालियां। भाषण के बाद इनसे बोलो ना, सर इस तरफ ये रक्तदान कैंप चल रहा है, थोड़ा थोड़ा खून हो जाए। मैं खुद का हीमोग्लोबिन कम आ रहा है। अच्छा, अंग्रेज चले गए लेकिन हमारी हिंदी में इंग्लिश मिक्स कर गए। ये दिनेश कल मेरे से बोलता था, कहता मुझे ना हैवीपन फील हो रहा है। मतलब कहता भारीनेस। मैं क्या, इसमें कौन सी मुश्किलिटी है, ये होता है कभी कभी बोरियत की वजह से। जोक्स अपार्ट, लेकिन इस आजादी को पाने के लिए देश ने जो बलिदान दिया है, जो कीमत अदा की है, वो हम कभी भी नहीं चुका सकते। बस इस आजादी को बनाए रखें, इसका सम्मान करें, देश का सम्मान करें। सबको एक बार फिर से 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अर्चना जी, आपको पता है आज इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे बीच एक ऐसी म्यूजिकल जोड़ी आ रही है, ऐसे दो धुरंधर लोग आ रहे हैं जिनकी बनाई हुई हर एक धुन जो है हमारे दिलों को छू जाती है। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करने जा रहा हूं 25 सालों से बेहतरीन म्यूजिक देने वाले, दमदार धमाकेदार, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक कंपोजर्स। सो प्लीज वेलकम मिस्टर सलीम एंड मिस्टर सुलेमान। थैंक यू सो मच। क्या बात है सलीम भाई, सुलेमान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। 15 अगस्त की आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत। अच्छा, मैं आपके आने से पहले जब आपका इंट्रोडक्शन दे रहा था, मैं आप तो वैसे किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, लेकिन एक लाइन मैंने जब बोली ना कि 25 साल से बेहतरीन म्यूजिक दे रहे हैं, तो मैं कसम से मुझे डाउट हुआ कि यार आपको जब देखता हूँ तो लगता नहीं कि आपको 25 साल हो गए हैं। 25 सच में हुए हैं कि 12.5 करके 25 हुए हैं? बचपन से कर रहे हैं। क्या बात है, 25 साल हो गए। हाँ, जब भी आते हैं ना कब द कपिल शर्मा शो में, तो ऐसी रौनक जमती है शुरुआत से ही, मतलब जो माहौल बनता है ना, इट्स लाइक ये जब आप आते हो ना तो रौनक आप ही लगाते हो। हम लोग तो एंजॉय करते हैं। exactly. और मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब कोई म्यूजिक फील्ड से आता है कोई, तो मेरा मन करता सुनते जाएं। और सलीम भाई, ये जो गाना है चक दे इंडिया, हमारी क्रिकेट टीम कुछ जीते, हमारा कुछ भी हो जाए, कोई बॉर्डर पे हमारी फौज कोई कार्रवाई करके आती है कुछ, तो हमेशा चक दे इंडिया। पाजी, ये गाने का ख्याल कैसे आया था आपके मन में? एक्चुअली ये शुरू हुआ था क्योंकि फिल्म का नाम चकते था जी, और जब हम गाना बनाने बैठे तो फिल्म की स्टोरी जब पढ़ी तो ऐसे लगा कि एक बड़ा पेट्रियोटिक गाना बनना चाहिए जी। तो हमने बड़ा यू नो एक शानदार उंडा गाना, डीप सेंस और ऐसे सब गाना बनाया। तो प्रोड्यूसर साहब आए और बोले, यार ये क्या कर रहे हो यार? अच्छा, ये मेरी पिक्चर का गाना नहीं। तो ऐसे करते करते हमने 7-8 अलग वर्जन बनाए। अच्छा, तो एक दूसरा गाना था वो बड़ा मजेदार था, दमदार था, उसमें बीट्स थे, काफी कुछ था, बट रू नहीं थी। अच्छा। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा सब कैंसिल हो गए। मैं सुलेमान को बोला ये पिक्चर छोड़ देते यार। हाँ, मैंने सच्ची में बोला कि ऐसा लगता है कि शायद हम नहीं कर पाएंगे, इससे बेहतर ये है कि हम छोड़ दें ये पिक्चर। तो सुलेमान ने मुझे कहा कि नहीं यार, कोशिश करते, कुछ करते, कुछ करते, कुछ करिए, कुछ करिए, यहाँ से निकला। वाह। तो मैंने कहा, मैं जयदीप साहनी जो राइटर है फिल्म के, मैंने कहा जयदीप जरा आ जाए, कुछ करिए लफ्ज आया है, तू कुछ आगे बढ़ा दे बात। तो उसने लिखा कुछ करिए, कुछ करिए, नस नस मेरी खोले कुछ। तो कुछ नहीं, आप बहुत कुछ कर गए आप। बड़ा कमाल का गाना, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू भाई। सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल चल रहा है, आप दोनों पे कुछ असर पड़ा? हमने लॉकडाउन का पीरियड बहुत सही से इस्तेमाल किया, क्योंकि व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग वाज, हमने बहुत पहले से सोचा था कि हमारा एक रिकॉर्ड लेबल होना चाहिए, म्यूजिक थोड़े से लाइफ में अपग्रेड हो जाए हम। अपग्रेड तो हमने मर्चेंट रिकॉर्ड्स खोल दिया और मर्चेंट रिकॉर्ड्स के दो गाने भी रिलीज कर दिए इस पीरियड में, इसी पीरियड। पर हाँ, मतलब वही है कि जब ऐसा कुछ माहौल होता है तो कुछ आविष्कार भी होते हैं। ये सैनिटाइज के चक्कर में हमारा जो गिटार वाला दिनेश नहीं है, हाँ। इसने बाल्टी में सैनिटाइजर खोल के तो गिटार डुबो दी। ऐसा करंट पड़ा, देख लो होठ नीले हो गए इसके। आइए सलीम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुलेमान भाई, प्लीज। थैंक यू। तो काफी सारे जैम्स ऐसे ही शुरू हो जाते हैं। हम लोग
रिहर्सल्स कर रहे होते हैं एंड कुछ एक ऐसे ही ग्रूव शुरू हो जाता है एंड ऐसे ही जैम शुरू हो जाते हैं व्हिच इज व्हाई आई लाइक दिस इंस्ट्रूमेंट इट्स वेरी एक्चुअली वेरी कूल हैंड्स फ्री अभी ये बोलेंगे ना कि मेरे बेटे को भी ऐसा चाहिए तो इनको देना मत बहुत बहुत स्वागत है कहने ही वाली थी यार बेटे को चाहिए नहीं नहीं ऐसे बोल देती हैं कभी कभी बेटा इनका फुटबॉल खेलता है कुछ भी बोल देती हैं कल इसको बोले थे मेरा बेटा ट्रम्पट बहुत लाइक करता है अभी सोशल डिस्टेंसिंग का फायदा उठा रहा है ये क्योंकि मैं बिना सैनिटाइज किए कुछ फेंक नहीं सकती इसके ऊपर अब मैं ना कुछ सैनिटाइज करके रखूंगी तेरे लिए हथियार अच्छा एक बड़ी इनकी ये बड़ी प्रॉब्लम है जैसे अपने घर से सैनिटाइजर आता तो आदमी एक बार पचक पचक करके सारा ही ये डेढ़ डेढ़ लीटर सैनिटाइजर खत्म कर देती है पूरे हाथ मल्ला उस दिन तो बाल धो रही थी सैनिटाइजर से फिर एक दिन मैंने देखा इन्होंने बड़े सलीम भाई बताओ कितने आदमी ओरिजिनल है बताओ उस फ्रेम में यार मुझे कहना पड़ेगा कि ये इतना कमाल का सेटअप है मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि आप सही कह रहे हैं मतलब जो ऑडियंस की जो जी कमी है वो महसूस ही नहीं हो रही है एक तो ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली अर्चना जी इज हियर थैंक यू एंड शी इज रियली इक्विवेलेंट टू ऑल अच्छा लॉकडाउन के दौरान ना एक्सपेरिमेंट्स बड़े हुए पर मैंने देखा आप फ्री नहीं बैठे अपना म्यूजिक लेबल भी लॉन्च कर दिया गुजराती तो हो आप बल्कि उससे थोड़ा एक स्टेप आगे हो मैं कच्ची हम लोग कच्ची है अच्छा और स्मार्ट होते हैं मतलब हाँ, मतलब पूरे बनिए होते हैं ना मतलब वाह लेकिन हम लोग पाजी हम लोग सरस्वती जी को फॉलो करते हैं जी लक्ष्मी फॉलो हो जाती है जी बिल्कुल तो वो अच्छा कोई अजीब सी फरमाइश नहीं आई आपको लॉकडाउन में आपके फैंस की कि यार कोई लॉकडाउन के ऊपर गाना बना दो अरे नहीं नहीं वो मतलब बहुत आई वैसे बट एक महीने में पक गए थे हम लोग सब ये इतने गाने लोग ने बनाए पर सलीम भाई एक चीज है हम सबको रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है अगर ये लोग बताते हैं कि इतने लोग जो हैं वो संक्रमित हो गए वो कोरोना से लेकिन ठीक हो रहे हैं ये कोई बताता नहीं है ये तो मुझे लगता है कि ये लोगों को थोड़ा थोड़ा पैनिक कम करने की भी जरूरत है कि यार ठीक है वो कोरोना है आया हुआ पूरी दुनिया उससे जूझ रही है लेकिन अच्छी चीजें भी हो रही है मतलब ठीक भी हो रहे हैं कपिल शर्मा शो मतलब अरे थैंक यू मतलब कमाल है एक तरीके से लोगों के दिल में इतनी खुशियां लेके आता है इतने मतलब उनकी दुनिया में इतनी खुशियां लेके आता है तो इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग और हम लोग सब मिस कर रहे बिल्कुल सलीम भाई और जिंदगी हंसते मुस्कुराते निकल जाए तो अच्छी है बस इसी का शो मस्ट गो ऑन अर्चना जी अच्छा सलीम भाई आप दोनों साथ में म्यूजिक करते हैं तो अब तो बड़े हो गए आप लेकिन बचपन में शरारतें भी आपकी इंडिविजुअल होती थी कि साथ में करते थे कुछ कुछ साथ में करते थे वैसे एक्चुअली ये बात मैंने कभी कही नहीं है ये शो पे पहली बार कह रहा हूँ टेलीविजन पर हम लोग 5 या 4 साल हम लोग ने 4 साल बाद एक दूसरे के साथ बात ही नहीं की What? मतलब लिटरली अगर इसके दोस्त का अगर फोन आता था तो मैं फोन उठाता था पूछा कि सुलेमान है तो सुलेमान रूम में ही है लेकिन मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ तो मैं मम्मी को कहता था मम्मी जी इसका फोन है Oh my God. तो मेरी मम्मी जी कहती थी कि उसने सुन ही लिया वो ले ही लेगा फोन मतलब इतने हद तक हमारी बात क्या थी लेकिन बहुत छोटी सी वजह थी मतलब मुझे ये एक मैगजीन कॉमिक बुक थी वो कॉमिक बुक मुझे बहुत पसंद थी तो मैंने उसके फाड़ दी इट वाज हिज ये इसका था और मैंने वो मतलब मैंने तो 4 साल माफ नहीं किया इस नहीं तो मैंने इसका हाथ तोड़ दिया हाँ मेरा हाथ टूट गया था तो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था और वो फ्रैक्चर मुझे बहुत तकलीफ दिया क्योंकि मैं पियानो बजाना शुरू किया था तभी तो मैं कुछ बजा नहीं पाया 4 महीने और बस उस चक्कर में मैंने इससे बात करना छोड़ दिया पर जब जब हम एक साथ इकट्ठे हुए जब चिपके तो मतलब ऐसे हो गए कि दो जिस्म एक जान सलीम सुलेमान भाई बड़े आपके जो फैंस हैं वो ये जानना चाहते हैं कि म्यूजिक पार्टीज में या जो भी कॉन्सर्ट्स होते हैं या अवार्ड फंक्शंस होते हैं आप दोनों साथ में दिखाई देते हैं कौन से ऐसे काम है जो आप अकेले करते हैं काफी सारे बाथरूम में अकेले जाते हैं हाँ ये बात ओह वाओ बाथरूम में डेफिनेटली अकेले मुबारक हो थैंक गॉड जैसे सलीम भाई जब गाना गाते हैं ना बड़ी प्यारी आवाज है इनकी और जब कोई दर्द भरा गाना गाते हैं इनकी आवाज में दर्द भी बहुत है तो ये जानना चाहती थी हमारी टीम बोल रही थी कि यार पूछना सलीम भाई से कि दर्द जो है आपकी आवाज
शादी के बाद आया या या पहले बहुत धोखे खा चुके हैं इसलिए दर्द आया आपकी आवाज में? मैं तो बचपन से ही धोखे खा रहा हूँ ऐसे। Were you the Romeo type? This heart is for everyone. अच्छा। वाह। देखिए क्या है ये, हर फनकार का ये दिल वैसे होना चाहिए। मैंने तो अपनी बीवी को एक ना नकली आर्टिकल खुद ही बना के दिखा दिया। मैं कहा ये देख, ये रिसर्च है साइंटिस्ट की कि जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना थोड़े मतलब ऐसे दिल फेंक हो भी ना उनकी कला में निखार आता है। उसने भी फिर एक आर्टिकल बना के दिखाया मेरे को। क्या था आर्टिकल? उसमें था कि जो बीवियां होती है ना दिल फेंक आर्टिस्ट, तो वो थोड़ा मार कुटाई भी कर लें तो उनमें भी प्यार बढ़ता है कहती। सुलेमान भाई आपको कभी हमने गाते नहीं देखा, आपका मन नहीं होता कि आप आलसी हो? आई मीन मैं एक्चुअली पहले गाता था। अच्छा जी। अभी भी कभी कभी मूड होता है तो गा लेता हूँ। अच्छा। मगर आलसी समझ लो। सलीम भाई मतलब आप लोग दोनों यंग हो, इतने हैंडसम हो, ऐसे कभी, और ऊपर से आपके हमने वर्कआउट के वीडियो भी देखे। मुझे पता था कुछ आ रहे हैं। तैयारी नहीं हो रही कोई फिल्म में आने की? पाजी आपने देखा है कि अपने बहुत सारे जो हमारे म्यूजिक के फनकार है, सिंगर्स है, जी। वो लोग जब फिल्म में कोशिश किए तो आपने देखा है क्या हुआ? I think म्यूजिक एक ऐसा समंदर है कि उसमें ही डूबो और उसमें ही एक्चुअली तैरो। वो भी मतलब उसको पूरी जिंदगी निकल जाती है सिर्फ डूबने और तैरने में। तो मेरे ख्याल में हम लोग यही सही है। अरे सुलेमान भाई ना मुझे कभी कभी मुझे वो लगते हैं जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। इमरान है ना, एकदम से ऐसे करके निकल जाओ तो ऐसे लगता है इमरान खान ही बैठे हुए बैठे, फिर पता है सुलेमान भाई बैठे। एक्चुअली ये हो चुका है मेरे साथ। मैं मड जा रहा था, मड आइलैंड। अच्छा। वो फेरी के अंदर जो बोट है ना, बोट लेके जाती है, तो बोट में मैं बैठा था। उनको नहीं पहचाना, यही तो चलाती हैं वो। और मैं, I mean, अर्चना जी भी कभी कभी जाती हैं। मड आइलैंड रहती हैं तो इसलिए। तो वो बोट में था मैं और नई नई गर्लफ्रेंड थी वो टाइम पे। अच्छा। वैसे ही लंबे लंबे बाल मेरे और सब, तो ऐसे छुपके बैठा हुआ था मैं, अंदर बात कर रहे थे हम लोग, सडनली एक वो मच्छी मार आया मेरे को। ए वसीम अकरम है ना? वसीम अकरम। बोला नहीं नहीं वसीम है, वसीम अकरम है। और वो एक खुद को ऐसे लगा कि उसने पहचान लिया मुझे, तो सबको घेर लिया उसने, हे भाई रे वसीम अकरम है। और मैं, मुझे समझ नहीं पड़ रही मैं उसको बोलूं कि यार मैं सब वसीम अकरम नहीं हूँ, मैं सुलेमान हूँ। फिर मैंने बोला हाँ वसीम अकरम है, ठीक है गुड। कभी कभी लोग ना आपको मिस्टेक कर लेते हैं किसी और सेलिब्रिटी के लिए और आपको उसके नाम से आपको ऑटोग्राफ देनी पड़ती है। आपने एक बार सुनाया था आपको किसी ने धर्मेंद्र समझ लिया था। ये पिज्जा कौन बना गया यहाँ पे? नजर गई तेरी। मैं आया, मैं बातें कर रही थी, मैं वहां पे खड़ा होकर आज देखा इतना बड़ा डबल एक्सएल पिज्जा बना गया। कपिल की टाइमिंग इज जस्ट अमेजिंग। हाँ लाजवाब टाइमिंग है, मतलब कुछ कुछ ना होते भी कुछ बन जाता है इसलिए। बिल्कुल। हेलो, हाय। हेलो। हेलो। हैप्पी इंडिपेंडेंट डे। हैप्पी इंडिपेंडेंट। हेलो एलियंस। हाउ इज यू? बेटी बहुत अच्छा लगा। यू नो पहली बार मैं सलीम के साथ सुलेमान देखी है। अच्छा। हाँ वरना सलीम के साथ मैंने हमेशा अकबर ही देखा था। बताइए ये नाजुक सी अनारकली आपकी खिदमत में क्या पेश करे साहब? गजरा की मुजरा। ओ टुकड़ों की मिस इंडिया। बैठो, कहाँ कहाँ से आई हो तुम? हाँ जब सलीम और अनारकली बात कर रहे तू काहे को बीच में अकबर बन रहे थे? मेरे को बात करने दे, मेरी नाइस यूसिया बहुत अच्छा लगा। मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फैन हूँ। भाई भी माइंड मत करना, इधर जो भी आता है उसको मैं यही बोलती हूँ। खैर मेरे को एक जानने का था बात। क्या? आप दोनों में बड़ा कौन है? आप बड़े? हाँ। अच्छा वो आप बड़े नहीं है। क्यों? नहीं तो फिर ये छोटे हो जाते ना। मेरे को बहुत अच्छा लगा एक और चीज कि आपका नाम सलीम और आपका नाम सुलेमान है।
नहीं तो अगर आपका भी नाम सलीम रहता है तो घर पे बहुत कंफ्यूजन होता, पता नहीं चलता सलीम कौन है और सुलेमान कौन है ना। है? मतलब तो घर वाले दोनों का नाम एक क्यों रखते भाई? अरे मेरे को एक बात बता। हाँ। मैं जिस शो पे काम करती हूँ, हाँ। तू जिस शो पे काम करता है, हाँ। सर लोग जिस शो पे आए हैं, हाँ। मैडम जिस शो पे बैठी है, हाँ। उस शो का एक ही नाम है ना, द कपिल शर्मा शो। हाँ। तो हमारा शो सैटरडे को सोनी टीवी पे आता है, हाँ। तो संडे को क्या टोनी टीवी पे आता है, सोनी पे आता है। सुनो, पूरा गन्ना एक ही बार में चूसने वाली औरत, तुम क्यों ये फालतू बातें कर रही हो? हाँ सॉरी, मैं एक्चुअली काम की बात करने आई हूँ। क्या? मुझे काम दो ना। वो तुझे काम क्यों देंगे भाई? हाँ तो क्या मैं उनको काम दूंगी क्या? अरे तुम कर तो रही हो कपिल शर्मा शो। तेरे से कहाँ काम मांगा उन्होंने? तो मैंने कब कहा कि उन्होंने मेरे से काम मांगने? क्या हो गया रे तेरे को, लॉकडाउन में कुछ हुए तेरे को? तू करने क्या आई यहाँ पे पहले ये बता। मेरे को एक्चुअली मेरे को काम नहीं चाहिए, मेरा नाला सोपारा में रहती है मैं। मेरा छावा है ना मुकेश, छावा। हाँ छावा, छावा। हाँ, उधर वॉचमैन का जॉब करता है, तो उसको आप अपने साथ रख लो ना प्लीज। ये क्या करेंगे उसको रख के? वो ना बहुत ऐसा सुकड़ा हो गया है, बहुत दुबला हो गया है, उसमें ना 3-4 छेद करके उसको बांसुरी बना के यूज कर सकते हैं। ओ मुगलों के हाथी धोने वाली औरत, तो दिमाग खराब तो नहीं हो गया तेरा? नहीं, अभी लॉकडाउन में जब 3-4 महीना घर पे थी तो दिमाग ठीक हो गया था। अच्छा। लेकिन अभी जैसे ही चेक आना शुरू होंगे फिर खराब होगा हम लोग का दिमाग। अच्छा सर, आप लोग म्यूजिक इंडस्ट्री से हो ना? बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, फिल्मों में म्यूजिक देते हैं। फिल्मों में म्यूजिक देते हैं? हाँ। अच्छा सर, मेरा एक सवाल था। अब जैसे ये भैंस रहती है, ओह गॉड, वो चारा खाती है तो वो दूध देती है, आप लोग क्या खाते हो जो म्यूजिक देते हो? सर मेरा एक और सवाल था आपसे, आप लोग गाना कंपोज करते हैं ना? हाँ। तो सलीम जी, जब आप फर्स्ट टाइम अपनी गर्लफ्रेंड को मिले थे, हाँ। तो आपने उसको प्रपोज किया था कि उसको भी कंपोज ही किया था? मुझे ये समझ नहीं पड़ी, पहली बार मिले तो कंपोज करे या प्रपोज करे? पहले तो मिले ना। अच्छा, आप लोग सिर्फ मिलते हैं? हाँ। हमारे यहाँ नाला सोपारे में डायरेक्ट कंपोज करते हैं हम लोग। तुझे म्यूजिक के बारे में कुछ पता है तेरे को? अरे इतने मस्त मस्त गाने दे ले इन लोगों ने, हिट हिट गाने। हाँ। तेरे को मालूम है सिद्धू जी इनका गाना 2 साल से गा रहे हैं। कौन सा गाना? मैं एवे 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 लुट गया। अच्छा, आप लोग म्यूजिक इंडस्ट्री से मेरे एक छोटा सा काम करेंगे क्या? हाँ, बोलो ना। यू नो 6 साल पहले मैं ऐसा 2 तबला खरीद के लाई थी कप्पू घर पे। हाँ। तो एक बड़ा था एक छोटा था। हाँ। तो वो छोटा वाला बड़ा ही नहीं हो रहा है, उसको क्या करेंगे? है बेवकूफ, तबले छोटे बड़े ही होते हैं। ऐसे कैसे? अभी जैसे हम लोग के तबले। हम लोग के तबले तो एक जैसे रे। सोच अगर हमारे तबले छोटे बड़े होते तब ऐसे कौन बैठेगा रे? सपना, तो जा हमें काम करने दे, क्या फालतू बातें कर रही तू? सर हम लोग बहुत अच्छा में काम भी करती है मुकेश और में। हमारा ना भोजपुरी फिल्में बनाने का एक छोटा सा बिजनेस है उधर नाला सोपारा। छोटा सा क्या मतलब, इंटरवल तक की फिल्म बनाते हो तुम लोग? नहीं, हम नाबालिग रवि किशन के साथ फिल्में बनाते हैं। ठीक है, अच्छा है। अच्छा, मैं 2-4 अभी आप लोग म्यूजिक देते है तो हम सब्जेक्ट लिखे ले कई सारे भोजपुरी के, तो उसमें अगर अभी हमारे लिए म्यूजिक देंगे, अभी हम लोग की औकात नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं, अभी टाइटल हम लोगों ने रजिस्टर कर दिया है, तो टाइटल बताती है। बता। तो उसका टाइटल एक पिक्चर का, दालगिरी गाउन में सयाजी लॉकडाउन में। तो अभी मैं आपको सिचुएशन देती है, हाँ। तो उस पे आप मेरे को गाना जरा हम लोग को देंगे क्या? अरे अरे, अरे। सिचुएशन क्या है कि हीरोइनी जो है हम लोग की, हीरोइनी रहती है नाला सोपारा में। अच्छा। और हीरो जो रहता है वो बोरीवली में रहता है। तो हीरोइनी हीरो को अपने घर पे बुलाती है, तो हीरो घर से निकलता है और शाम हो जाती है, वो घर पे पहुंचता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रिक्शा वाला है ना, उसको भांडुप का भाड़ा मिल गया, तो वो उधर चला जाता है। अच्छा, तो अभी क्या है, हीरोइन जो है नाराज हो जाती है, हीरो नहीं आया, तो अब क्या दूसरा सिचुएशन है कि हीरो हीरोइनी को बुलाता है उधर से। अच्छा, अच्छा। तो हीरोइन अभी नाराज ऊपर से निकली है, हीरो बोरीवली में वेट कर रहा है, शाम हो जाती है, हीरोइन भी नहीं पहुंचती। उसको भी भाड़ा मिल गया? नहीं, उसको रास्ते में प्रोड्यूसर मिल गया। तो प्रोड्यूसर जो है वो मीरा रोड में रहता है, वो उसको रास्ते में कॉफी पिलाने के लिए लेके गया है।
अब वो 5-6 घंटे से कॉफी पी रहे हो लोग, तो ये बात हीरो को पता चल जाती है। अब हीरो जो है हमारा, वो भड़क जाता है और वो हीरोइन के बाप के घर के नीचे जाके खड़ा होकर चिल्लाता है, दूध ले लो, दूध ले लो, दूध ले लो, ऐसा चिल्लाता है। दूध ले लो मतलब? अभी लॉकडाउन है ना, ऑटो का काम बंद है, तो अभी वो दूध बेच रहे हैं। तो इस पे हमको कोई आइटम सॉन्ग मिलेगा तो हमको चलेगा, और पेमेंट का कोई टेंशन नहीं है। जो हमारे हीरो है वो 3-4 महीने फ्री में दूध देगा आपके घर पे। ऐसा है, इससे थोड़ा सा अगर हो सकता है कुछ करते हैं, डेफिनेटली बताएंगे, कुछ करेंगे। तो मसाज करना उनकी, इतना बड़ा पार्लर है, वो काम कर जो वही मेन बता रही, ये हमारा पार्लर है इधर, और अलग अलग टाइप का मसाज रहता है। अभी आप म्यूजिक लोग है तो हमारे पास आपके लिए ट्रम्पेट मसाज। इसमें क्या होता है? ये थोड़ा महंगा मसाज है कपू। अच्छा। इसमें करते कस्टमर को हम तेल लगाते हैं, फिर ट्रम्प को बुलाते हैं। अच्छा। हाँ, ट्रम्प आता है और फिर वो ऐसे पेट तक मसाज करता है। ट्रम्प पेट। अच्छा। तो पैरों की कौन करेगा फिर? अभी लॉकडाउन है ना, नीचे कोई जा नहीं सकता है, तो प्रॉब्लम। फिर हमारे पास एक और मसाज है सर, आपने वो मस्त पिक्चर किया था इनके लिए जोरदार, इकबाल, क्या मस्त, बहुत अच्छा आपने। तो हमारे पास इकबाल मसाज है। इसमें क्या होता है? इसमें कस्टमर को तेल लगाते हैं, फिर इकबाल आता है। अच्छा। फिर इकबाल अपने हाथ में एक बॉल लेता है और कस्टमर का ऐसा मसाज करता है कि उसके बॉडी में इकबाल भी नहीं बचता। अच्छा, मैं चलती, मेरे को भी जाने का है। वो मुझे ना वो कहाँ जाना है? अरे वो सिंगर नहीं, नेहा, उसका कक्कर वापस करने जाना है मेरे को। नहीं, मैं एक्चुअली कर किचन में खाना बना रही थी ना, तो मेरा कुकर खराब हो गया था, तो मैं उसके घर से कक्कर लेकर आई थी। प्रॉब्लम है, अभी मैं जाएगी नहीं तो उसका भाई आ जाएगा, और भाई उसका बहुत कक्कर कक्कर करता है। हाँ, तो मैं जाती है कप्पू। ओके ओके, बाय, फिर मिलते हम लोग, बाय। कोविड की वजह से हम लोग गेस्ट जो है यहाँ पे नहीं बुला सकते, लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो ऑनलाइन हमसे बात करना चाहते हैं, तो आज इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है, तो आइए देखते हैं उनके साथ क्या क्या बातचीत होती है। जी, सबसे पहले कॉलर कौन है? ओ हाय, वाओ, हाय शुभी, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हो? मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ। शुभी, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। कहाँ से बोल रही हैं शुभी? मैं कोटा से, राजस्थान। वाओ, खूबसूरती का कोटा सारा राजस्थान में ही है। शुभी, कैसी हैं आप? कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन? मेरा बहुत ही जबरदस्त चल रहा है, और आज तो और ज्यादा जबरदस्त हो गया है। हाय सर, हाउ आर यू? हाय हाय, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आपको भी बहुत बहुत मुबारक शुभी। शुभी, आज का क्योंकि इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है, तो हम लोग इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे कि आजादी जो है हमें मिली, हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना जिनसे हम चाहते हैं कि हमें इस चीज से आजादी अभी चाहिए, छोटी छोटी बातें जो होती हैं, और कई चीजें ऐसी भी होती हैं जो हम चाहते हैं कि यार इन चीजों से आजादी हमें नहीं चाहिए, ये हमें अच्छी लगती है। सो आपका क्या कहना है? अपना ज्ञान बांटे, ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। तो जो आजादी है वो आजाद तो हो चुका है इंडिया, ठीक है, बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन आजादी सबके लिए अलग अलग है, सबके मायने अलग अलग है आजादी के। तो मेरी एक चीज है जिससे चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे आजाद नहीं होना चाहती हूँ। कौन सी चीज है? वो है मेरा इमेज है जो लोगों के सामने है ना, कि ये मतलब लोगों ने कैसा कर दिया ना कि लड़कियों का एक टाइप बना रखा है कि भैया लड़की जो होती है वो एकदम ऐसे होनी चाहिए, स्माइल करो बेटा, दांत मत दिखाओ, पर दांत से तो दांत तो दिखाएंगे ही ना। तो वो दांत दिखाना मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? फिर बोलते बड़ों को जवाब मत दो। अरे भाई, अगर जवाब आ रहा है मन में तो जवाब तो हम देंगे ही, जवाब क्या मन में रख रख के। अगर सामने कोई सवाल पूछ रहा है तो फिर जवाब जवाब भी तो देंगे ना। सवाल भी मैं बहुत पूछती हूँ, सवाल मैं पूछती हूँ कि सामने वाले का दिमाग गोल गोल हो जाता है कि यार ये लड़की आई कहाँ से है। तो मैं आई तो कोटा से ही हूँ, और सवाल मेरे पास बहुत होते हैं, और लड़ाकू भी मैं बहुत ज्यादा हूँ। मतलब जितनी मैं हंसती हूँ मैं एक्स्ट्रा ही हंसती हूँ, नेक्स्ट लेवल हंसती हूँ मैं, और मैं जितनी हंसती हूँ उससे ज्यादा मैं लड़ाई करती हूँ। वो मैं समझ गया था, इतनी खूबसूरत है, कोई ना कोई कमी तो होगी। चलो शुभी, करती क्या है आप? मैं फोटोग्राफी करती हूँ, मैं लिखती हूँ, मैं गाती हूँ, और मैं ऐसे हंसती हूँ, और मैं गाना भी गाना चाहती हूँ, और मैं है ना, और मैं पता है क्या क्या करना चाहती हूँ, रुको।
क्या क्या करना चाहती हैं आप? मैं ना आपके शो पे जो भी लोग आते हैं वो लोग अलग अलग लाइंस बोलते हैं आपके लिए, ऐसे ऐसे कुछ कुछ बोलते हैं जी, तो मैं भी कुछ बोलूंगी जी, और मैं आपके शो पे आना जो है वो बोलूंगी, ठीक है? ठीक है जी, ओके। तो मैं अभी बोलूं? हाँ। नहीं, कल आ जाना दोबारा, आज ही बोलना पड़ेगा, तो आज शूटिंग हो रही है। बहुत आए होंगे मेरे जैसे, मैं तो पहली बार आई हूँ। बहुत आए होंगे मेरे जैसे, मैं तो पहली बार आई हूँ जी। ढूंढ लेना कहीं पे भी, कहीं नहीं मिलेगी जैसी, लेके मैं आपके शो में बाहर आई हूँ। सिद्धू जी ने जो नहीं भेजा आपको। ये जो शेर शायरी हो रही है। मुंबई आई है कभी आप सुभी? मैं कभी मुंबई नहीं आई, आप बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगी पक्का। सुभी मैं बुला लेता, पर मेरी शादी हो गई है। सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो आप जरूर आइएगा हमारे शो पे। आप बहुत प्यारा बोलती हैं, आप बड़ा प्यारा हंसती हैं आप। और मैं ना आपके शो में काम भी करना चाहती हूँ, अगर आप महान काम करना चाहे तो मुझे रख सकते हैं। सुभी आप बहुत ही प्यारी हैं। मुझे एक सेल्फी लेनी है, एक सेकंड। कैसे? वो कैसे सेल्फी लेनी है? मैं मेल ले लूंगी, मैं फोटो ले लूंगी, आप लोग स्माइल कर दो। हाँ जी। चलो मैं ले हमेशा हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, गॉड ब्लेस, थैंक यू, बाय जी। दूसरे कॉलर। हेलो, नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार सर, पटना से। सर पटना से बोल रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? अभिषेक मिश्रा सर। मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है, और आपके साथ कौन है? आपके दोस्त हैं, भाई हैं? सर ये मेरे भाई हैं सर, राजेश मिश्रा, और मेरे छोटे भाई हैं सर, मनीष मिश्रा सर। सारे तमाम मिश्राओं को हमारा नमस्कार। आपको भी सर, आप लोगों को भी सर इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं सर। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुनाइए मिश्रा जी, कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है सर, अभी सर आप लोगों को लाइव देख के बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो हम लोग आज इंडिपेंडेंस डे जो है वो स्पेशल बना रहे हैं मिश्रा जी, तो कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपको आजादी चाहिए या जिससे आजादी नहीं चाहिए, या जो भी आपका ज्ञान है आप बांट सकते हैं? सर मुझे इन दोनों भाइयों की हरकतों से आजादी चाहिए सर। भाइयों से क्यों चाहिए? इनसे ज्यादा शरारती है, ये क्या करते हैं सर? ये मेरे साथ सर कॉलेज में पढ़ता है सर, जब कॉलेज जाता हूँ सर नहाने से पहले सर मेरा अंडरवियर और बनियान पहन के चले जाता है सर। सर और उसको बिना धोए हुए मुझे सर रख देता है, मुझे धो के यूज करना पड़ता है सर। पहले तो उनका कमाल है कि वो आपका वाला पहन जाते हैं, और उसके बाद आपका भी कमाल है कि आप धो के वापस पहन भी लेते हैं। वाह, मतलब आंतरिक प्यार है आपका, आंतरिक इंटरनल लव। वाह, एक होता है ना कि ये मेरा जुड़वा भाई है, ये मेरा सौतेला भाई है, ये मेरा कछहरा भाई है। वाह, तो आप तीनों पढ़ाई करते हैं अभी? यस सर पढ़ाई करते हैं सर। क्या पढ़ रहे हैं जो अभी तक खत्म ही नहीं हुआ? एमसीए कर रहे हैं सर, एमसीए पटना यूनिवर्सिटी, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। यस सर पटना यूनिवर्सिटी से। शादी किनकी हुई है? हाँ सर, इनकी ये है सर, एक्चुअली मम्मी पापा लॉकडाउन में सर गांव में फंसे, गांव में है सर। अच्छा, और भाभी सर असम में जॉब करते हैं सर, तो उसके कारण मुझे घर का, इनकी वाइफ सर मुझे अच्छा, घर का सारा काम यही मुझसे करवाते हैं सर, भाभियों वाला सारा काम मुझसे करवाते हैं। नॉर्मली लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारी बीवियां हमसे काम बड़ा करवा रही हैं, तो आपकी बीवी तो असम में है। पर मैं आपको बताऊं मिश्रा जी, फायदा हो गया आपका, अगर आपकी बीवी यहां पे होती सारे काम आपको करने पड़ते, तो ये जो मुस्कुराहट है ना आपकी आधा इंच कम हो जाती। अच्छा, वो जिनकी शादी नहीं हुई दोनों वो ज्यादा खुश हैं, देख लो शादीशुदा आदमी की इतनी सी स्माइल निकलती है, वो दोनों बैचलर है ना कितना। हाँ बिल्कुल मिश्रा जी, बताइए दोनों भाइयों को कि शादी के बाद क्या होता है। चलिए मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। सर सुलेमान सर के सामने कपिल सर के लिए गाना प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अरे आइए प्लीज, आइए। थैंक यू मिश्रा जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए, बड़ा मजा आया। थैंक यू मैम, थैंक यू सी यू, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।
जी और भी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं जी, कौन? हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हेलो जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाय सलीम जी। हाय नमस्कार। हाय हाउ आर यू? हम लोग मिशिगन यूएसए से बोल रहे हैं। आप दोनों को तो देख के लग रहा है जैसे किसी फंक्शन के लिए तैयार हुए हैं कोई। और वैसे आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं भारत से? हम लोग तो बांग्लादेश से हैं। अच्छा, वाओ, ऐसे हिंदी नहीं आती है, हम लोग सब कुछ समझ। बहुत अच्छी बोल रही हैं आप। मुझे जेंडर वाला प्रॉब्लम हो जाती है। ये मेरा हस्बैंड है। अच्छा, वो लग ही रहा है, काफी देर से चुप है तो पता चल गया था। अच्छा मैम, आज ना हम लोग बेसिकली इंडिपेंडेंस डे स्पेशल मना रहे हैं, तो जैसे होता ना कि हम लोग बोलते हैं कि यार हमें कुछ चीजों से आजादी चाहिए, देश तो आजाद हो गया लेकिन कुछ और चीजें होती, जैसे हम लोग बोलते हैं हमें करप्शन से आजादी चाहिए, हमें ये चीज से आजादी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें अच्छी लगती हैं कि यार जैसे आप बोल रहे हैं कि यार मेरी पत्नी बड़ी प्यारी, मुझे इससे आजादी नहीं चाहिए, तो ये मैं चाहता हूँ। तो ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपको आजादी चाहिए और ऐसी कौन सी चीज है जिससे आजादी नहीं चाहिए? तो ठीक है कपिल, मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत ही अच्छी है, मेरे शादी के 12 साल हो गए हैं। अच्छा, हम लोग बहुत से, मेरे दो बेटिये हैं। अच्छा, एक 2 साल की एक 5 साल की है, वो दोनों भी अच्छी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मुझे एक चीज आजादी चाहिए। किस चीज़ से? मेरा पति है ना, वो रात को बहुत जोर जोर से कराटे मारती है। वो डराने वाला म्यूजिक मुझे अच्छी नहीं लगती है। मुझे तो आप बोलते हैं कि सोते हुए भी आवाज ना निकले उनकी। आपका ये कहने का मतलब है? ये भाई साहब तो इतने प्यारे हैं, इतनी प्यारी मुस्कुराहट है उनकी। भाई साहब क्या कहना चाहते हैं आप, इस पे कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे आप? मुझे तो मालूम नहीं है, मुझे तो सुनाई नहीं देता है। आपने आपको नहीं पता चलता एक्चुअली। आपको भी किसी चीज से आजादी चाहिए भाई साहब? मुझे तो नहीं चाहिए, मेरी बीबी बहुत ही अच्छी है, हम आपको अलग से फोन करें अगर आप दिल खोल के बात करना चाहते हैं तो। यार बड़े प्यारे हो आप दोनों। मैं कभी बांग्लादेश गया नहीं हूँ पर मेरा बड़ा मन है कभी ढाका जाऊं, वहाँ लोगों के सामने यू नो लाइव शो के लिए कभी। पर हाँ, लेकिन अमेरिका हम लोग अगले साल आ रहे हैं, हम आपसे जरूर मिलेंगे। या आप जरूर आइएगा बांग्लादेश में, और यहाँ पे यूएसए में हमारे कम्युनिटी के लोग आपकी बहुत बहुत बड़ा फैन है। हम दोनों तो आपके बहुत बड़ा फैन है, आपके शो हम दोनों ने एवरी डे देखती हूँ, एवरी डे हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू मैम, काम भी करा करें साथ में। थैंक यू आपके प्यार के लिए, आप लोग इतना प्यार करते हैं और इसीलिए हमें भी एनर्जी मिलती है और अच्छा काम करने की। आज हमारे साथ म्यूजिक डायरेक्टर सलीम सुलेमान साथ में है, आप कुछ कहना चाहती हैं सलीम जी से, सुलेमान जी से, अर्चना जी से? कपिल, मैं पहले बोल देती हूँ आज तो इंडिपेंडेंस डे है, वो सभी हिंदुस्तानी के लिए बहुत ही खास है जी। तो मेरे फैमिली की तरफ से मेरे पूरे बांग्लादेश के दर्शकों और यूएसए के पूरे दर्शकों की तरफ से मैं आप सब लोगों के इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और आप बड़ी प्यारी हिंदी बोलती हैं, आपको लगता है कि आप अच्छी नहीं बोलती लेकिन इतनी प्यारी हिंदी बोलती हैं और आप दोनों इतने प्यारे हैं ना, हमारा दिल कर रहा है काश आप हमारे सामने होते, ऐसे सामने होते। अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल लेते हैं। पर प्रॉब्लम ये है मेरी इंग्लिश सिर्फ मेरे को ही समझ आती है और किसी को आती नहीं है, तो इसलिए मुझे हिंदी में बात करनी पड़ती है। पर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ऑनलाइन आने के लिए। गॉड ब्लेस यू कपिल। थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू टू, धन्यवाद। हाय कपिल सर। हेलो हेलो। मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैंने आई मीन आई डोंट हैव वर्ड्स। कोई बात नहीं, फिर कल मिलते हैं। क्या आपका क्या नाम है, कहां से बोल रही हैं आप? सर मेरा नाम वसुधा तिवारी है और मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। मुंबई में कहाँ से? सांता क्रूज। अरे सांता क्रूज में हो तो हम लोग वहीं से आ रहे थे तो ले आते आपको यहाँ पर। वसुधा बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर पहले तो आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई जी वसुधा। और क्या करती है वसुधा आप, पढ़ाई करती है, जॉब करती है? नहीं सर मैं अभी 9th क्लास में पढ़ती हूँ। अरे अभी तो आप छोटे बेबी है।
जी सर, और मैं गाना भी गाते हैं, मैं सिंगर। अच्छा वाह, तो आज आप सोच समझ के आई हैं, क्योंकि आज हमारे साथ सलीम सुलेमान है, तो ये आपकी सोची समझी साजिश तो नहीं है? नहीं सर, आज का इंडिपेंडेंस डे तो और भी मेमोरेबल हो गया मेरे लिए। वाह चलो बहुत अच्छी बात है। और पीछे फोटो किन की लगी हुई है ये इस तरफ? यहाँ पे मेरे गुरु जी है, सुरेश वाडकर जी। अरे वाह वाह, क्या बात है, तो सीरियसली वाह। अच्छा आज का टॉपिक जो है, किस चीज से आजादी चाहिए और किस चीज से आपको आजादी नहीं चाहिए? मैं बहुत छोटी थी तब से म्यूजिक सीख रही हूँ, तो मैंने कभी आइसक्रीम नहीं खाई है, ठंडा कोल्ड ड्रिंक नहीं पी है। अच्छा। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने नहीं पिलाया क्योंकि मेरा गला ना खराब हो जाए। अच्छा जी, तो उनकी इस रोक टोक से मुझे आजादी चाहिए। तो ये देखिए अभी सलीम भाई हैं, सुलेमान भाई, ये आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि क्या ये सब खाने से वोकल कॉर्ड्स पे फर्क पड़ता है। सलीम नहीं, भाई नहीं, जरा भी नहीं है। ये देख लो अभी पीछे पूरी ठंडी कॉफी पी रहे थे, कोल्ड कॉफी। सर आप लोगों ने ये कह दिया है तो अब तो मैं जी भर के आइसक्रीम खाऊंगी। नहीं बेटा, इतना भी नहीं, इतना भी नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा कभी कभी। हाँ थोड़ा थोड़ा खा लीजिए आप कभी कभी। सर मेरे पेरेंट्स भी आपसे मिलना चाहेंगे एक बार, दो चार जी, प्लीज 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 बुलाइए। मामा पापा आइए ना प्लीज, कपिल सा कॉल पे। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो सब आपको बहुत सारा थैंक यू कि आप इस माहौल में भी हम सब के लिए ऑडियंस का ध्यान रख के नए एपिसोड्स लेके आए हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू आपके प्यार के लिए। जी बहुत, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसके बाद आपका मोस्ट वेलकम है हमारे घर में। आप वैसे तो हम आपको देखते हैं लेकिन ऐसे आप पहली बार हमारे घर में आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी बच्ची इतनी प्यारी है और इतना अच्छा गा रही है। थैंक यू सर। सर अभी मैं सुन रही थी आप वसुधा से आजादी पूछ रहे थे तो मुझे भी कुछ कहना था। जी जी प्लीज। सर मुझे आजादी चाहिए, मेरे हस्बैंड का जो जॉब है उसके हिसाब से वो महीने में 15-20 दिन बाहर रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनकी ये आजादी मेरी गुलामी में बदल जाए और जो ये बाहर रहते हैं हम लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें। एक टाइटल याद आ रहा है आपकी बात सुन के, जीने नहीं दूंगी। भाई साहब आपका क्या हाँ, कहना है इस बारे में? आप अपनी उनसे पूछ लेते हैं। हाँ। आप अपनी जॉब से खुश हैं जो 15 दिन बाहर रहते हैं आप? कपिल सर नमस्कार। नमस्कार सर, असल में मेरा काम बिजनेस है, टूर बिजनेस है, तो अच्छा। इसलिए मुझे मीटिंग के लिए मुंबई से बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली है, इधर रायपुर है, अच्छा जी, इधर जाना पड़ता है, बाहर जाता हूँ, मीटिंग होती है। अच्छा, अब बगैर भाई चार्ज काम चलता नहीं है और घर पे रहेंगे तो फिर इन लोगों की एक सब कंप्लीट कैसे कर पाएंगे, इनकी डिमांड कितनी होती है इन लोगों की? हो इन लोगों की मतलब और कितनी है आपकी? पर बड़ी प्यारी फैमिली आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ऑनलाइन आने के लिए। सो बेटा बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, ऑल द बेस्ट, रियाज करते रहिए और एक दिन आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए और हम आपको फिल्मों में सुनना चाहेंगे और आपके गाने सुनना चाहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सलीम भाई। थैंक यू जी। सर देखिए आप दोनों सगे भाई हैं तो जनता को बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि यार दोनों एक दूसरे को कितना अच्छा समझते हैं। बेसिकली तो लोग चाहते हैं कि आप एक दूसरे की पोल खोलें। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो फैंस की तरफ से आते हैं, बोलते हैं कि बचपन में स्कूल जाने में कौन रोता था दोनों में से? कोई भी नहीं, हम लोग तो बहुत खुश, दोनों इंटेलिजेंट थे, स्कूल जाके मजा आता था। अरे यार वेट करते थे कि कब घर से निकले बाहर और दोस्तों से मिले स्कूल में। ओके, कॉलेज में लड़कियां किस पे ज्यादा लाइन मारती थी? ये तो कॉलेज में था ही नहीं। अच्छा हाँ, आप कॉलेज जाते थे? हाँ बिल्कुल। मैं तो लड़कियां इसको कॉलेज पहुंचने नहीं देती होंगी क्या? नहीं एक्चुअली ये मतलब मैं बहुत स्कूल के बाद मैं रियाज और मैं सीखता था बहुत ज्यादा, बंदे तो की इन्वेस्टमेंट काम आई ना। देखो आप कॉलेज भले ही नहीं गए लेकिन आज जब ये इंडियन आइडल में जज बन के बैठते हैं तो सारे हरी सर तो हम देखते ही हैं भाई, हमें भी तो पता ही है। अच्छा दोनों में से ज्यादा कंजूस कौन है? मैं, ईमानदारी देखो यार क्या बात है। दोनों में से आलसी कौन है? सुलमान भाई ओ, आप दोनों इंडस्ट्री में एक ही नाम सलीम सुलेमान से जाने जाते हैं, तो एक अफवाह ये है कि स्कूल में आप दोनों की फीस है वो भी एक ही आदमी की जाती थी, पर आप दोनों लेते थे, तो ये सच है कि अफवाह है? बिल्कुल सच है। अच्छा अफवाह ये भी है कि आपके आधार कार्ड पे दोनों का नाम लिखा और फोटो भी दोनों की लगी हुई है? दोनों के कार्ड पे? यार ये तो इतने पोकर फेस से झूठ बोलते हैं।
सुलेमान भाई, आपके बारे में ये फायदा कि जब किसी काम का चेक आता है तो आप दोनों भाई बराबर बांटते हो, लेकिन जब इनकम टैक्स भरने की बारी आती है तो आप सलीम भाई से बोलते हो कि आप छोटे हो तुम भरो। अच्छा, ये फार है, बहुत फार है। सुलेमान भाई, एक और अफवाह कि आप वैसे तो छोटी मोटी बातें जल्दी भूल जाते हैं, मगर कोई पेमेंट में एक रुपया भी कम दे दे तो आप उसके हाथ पे काट के आते हो। ये अफवाह नहीं, हकीकत है। Hey, how you doing? Hey. I was doing okay till I saw you. Oh yeah. Yeah. Nah, don't say that. Main lekin idhar Sony ki taraf se aap sabhi ko Swatantrata Divas ke bobo 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 shubhkamnaye. Hey, itna acha lag raha hai idhar aake. Hey. कपिल शर्मा, क्या कर रहे यार, इतना बड़ा सेलिब्रेशन है, कम से कम वो तो लेके आते यार। क्या वो क्या बोलते हैं यार, वो शादी का होते है जो खाए पचता है, जो ना खाए पचता है, लड्डू। लड्डू ब्रो, कम ऑन यार, कम से कम लड्डू लाते हैं यार। सब लोग खाते, एक मिनट। ठीक है, ये क्या कर रहा है? चार महीने बाद घर से निकले, चेन की सांस ले रहे। लेकिन सर, सलीम सर, सुलेमान सर, आपको देख के कितना, मैं क्या बोलेगा आपको सर, सलीम सर ऐसे लगते हैं जैसे आप इतने स्लिम हैं इसलिए अपना नाम सलीम रख लिए। वैसे उस कायदे से देखा जाए अगर तो, अगर मैं मोटे होते तो मेरा नाम मोटा यादव होते, लेकिन थैंक गॉड मैं मोटे नहीं है। लेकिन सर, आपको देख के मैं बहुत वो है, आप लोग को देख के, क्या बोलते हैं वो, कपिल शर्मा अपना लव के भाई कौन है? कुश। कुश, मैं बहुत खुश है आज आप लोगों को इधर देख के, कितना मैं बता नहीं सकते। सर, आप लोग म्यूजिक देते है ना? Right? So, थोड़ा सा म्यूजिक इनको भी दो ना, ये लोग अपना घर से लेके नहीं आते है। गलती से आप लोग ये दिनेश गिटार पे, इनको गिटार बजाते हुए देखो, ऐसे लगते हैं जैसे कारपेंटर रंदा मार रहे हैं। वो तो ऐसे ही बजता है गिटार, ऐसे ही गिटार ऐसे बजाएंगे को, इतना अग्रेशन दिखाएंगे। लेकिन क्या कर सकते हैं यार, होता है। मैं आपको लेकिन एक सच बात बताता है, प्लीज, ये बैंड जो इधर बाजा लेके बैठे है वो इनका बारात है। That was cool, man. Yeah, thanks, man. कोई अच्छी बात कर, लंदन के मोमो, मोमो के धागे, हाथी का सूप पीने वाले प्राणी, तुम्हें पता है वो कितने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों में म्यूजिक देते हैं। ब्रो, मेरे को मत बोलो, बोलना है उनको, बोलो उनको, बताओ कितने बड़े बड़े, मेरे लोग 7 साल से चुटकुले में म्यूजिक दे रहे हैं। मैं जानते हैं आपको ये सुन के बुरा लगेगा, लेकिन क्या करे यार, सच हमेशा करेला होता है, करेला कड़वा होता है, लेकिन करेला कभी सच नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि करेला तो सब्जी होता है। और वैसे भिंडी भी सब्जी होता है, लेकिन भिंडी कड़वा नहीं होता है, क्योंकि कड़वा नीम का पत्ता होता है, लेकिन नीम का पत्ते का कभी सब्जी नहीं बनता। यू सी, do you see that? This is double standards in our country. Abhi karela bhi kadwa hai, neem ka patta bhi kadwa hai, lekin karela ka sabzi hai, neem ka patte ka nahi hai. Kyun? Kyun? Ye dohri zindagi kyun? Dohri zindagi. Hey, le Ladakh ke kaddu. आप हमें कृपया ये बताने की कृपालता करें, आप तो लंदन में थे, तो यहाँ कैसे लुढ़क गए आप? नहीं, मैं किधर गए यार, मैं इधर ही फंसे थे लॉकडाउन में। नहीं नहीं, सब आपके वजह से ब्रो। क्यों? मैं लास्ट टाइम इधर आए थे, आप मेरे को बोले थे पतली गली से निकल ले, मैं ट्राई किए। फंस गए मैं पतली गली में, और ऐसा खिसक खिसक के वो गली में मैं ट्राई कर रहे थे जाने का, सामने कुत्ता आके दहाड़ दिए। कुत्ता कहाँ दहाड़ता है? ना उसी गली का कुत्ता था ना, तो अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। फिर मैं किसी तरह बचा के अपने आप को ऐसा पीछे पीछे करके उधर से बाहर निकले, लेकिन मेरा पेट पूरा वो हो गए अर्चना जी, पूरा क्या बोलते हैं वो, लोग गोवा क्या करने जाते हैं? चिल। हाँ, चिल, मेरा पूरा पेट चिल गए, इधर से चिल गए, इधर से चिल गए। I'm saying, मैं इतना बड़ा फैन है आप लोग के, मैं इतना आप लोग का म्यूजिक सुनते है, मतलब अभी तो मेरा अंदर ना आपका म्यूजिक सुनने के वो सवार हो गए, वो
वो आर्मी का लोग इतना लंबा जूता पहनते क्या बोलते हैं? बूट सवार हो गए मुझे आप लोग का म्यूजिक सुनने के। आप सर उधर वो फीफा वर्ल्ड कप में भी म्यूजिक दिए थे तो सर मेरे को जानने थे उधर तबले से म्यूजिक दिए के फुटबॉल से? फुटबॉल से म्यूजिक कौन देता है? सर जब टैलेंट होता है ना तो किधर से भी म्यूजिक दे सकते हैं, और जब टैलेंट नहीं होते हैं ना तो ब्रो मैं ये सारी बातें बोलता रहता है, आप ये मेरा कोई भी बात ना अपने दिल पे जरूर लो। देखा फालतू बातें जितनी मर्जी करवा लो इस चार पैरों वाले मोदक से। चार पैरों वाले भाग यहां से। ब्रो मैं भाग जाएगा, मैं उससे पहले आपसे एक सवाल पूछेंगे। आप मेरे को बताओ कि गिलोय खाने से क्या बढ़ते हैं? इम्यूनिटी। तो क्या इम्यूनिटी खाने से गिलोय बढ़ेंगे? ये बहुत पेचीदा सवाल है ब्रो, आप इसके बारे में सोचो, तब तक मैं गेस्ट से बातें करेंगे। सर आप लोग जैसे म्यूजिक देते हैं तो शंकर एहसान लॉय है वो भी म्यूजिक देते हैं, तो लॉय सर से कभी मुलाकात हो तो उनको बोलना कि अपने आगे वो घी लगाए। क्यों? ताकि वो घी लॉय हो जाए। सबका इम्यूनिटी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन सर मैं एक और बात बोल रही सर, आप लोगों को सुर का इतना ज्ञान है, आप लोगों को ताल का इतना ज्ञान है, आप लोगों को बीट का इतना ज्ञान है, तो मैं खाली आपसे जानना चाह रहे थे ये कबूतर का बीट है कि कौवे का? अच्छा तेरे को शर्म नहीं आती? इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर क्या सोचेंगे तेरे बारे में? यही सोचेंगे आदमी मोटा है लेकिन पर भी कितना फनी है। Hey, you gotta be positive, bro. लेकिन सर आपका एक और फिल्म का म्यूजिक, वो मैन मैं क्या बोलेंगे वो कौन सा फिल्म था सर? वो कपूर शर्मा चार महीने से सोनी साहब हम लोग को क्या साइन करके नहीं दे रहे हैं? चेक 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 दे इंडिया। सर कमाल का म्यूजिक दिए थे मैं तो मतलब मजा आ गई सुन के। लेकिन सर उसमें शाहरुख खान ना हम लोग को बेवकूफ बना दिए। कैसे? कैसे? मैं थिएटर में फिल्म देख रहे सामने शाहरुख खान बोलते 70 मिनट है तुम्हारे पास। मैं बोले ओके, मैं बाहर गए इतना बड़ा पॉपकॉर्न लाके आके बैठ गए, 20 मिनट में फिल्म खत्म हो गई। साफ साफ झूठ बोले मेरे को, किधर गए वो बाकी के मिनट 50 मिनट और किधर गए? बड़ा मिनट मिनट का हिसाब रखता है तू। कपूर शर्मा जो आदमी का घर 10-10 मिनट का एंट्री करके चलता है ना। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, उसको सेकंड सेकंड का हिसाब रखने पड़ते हैं। लेकिन सर मैं म्यूजिक सीखने का बहुत शौक है मुझे, मतलब मैं म्यूजिक का बहुत तसप्या किया है। अबे तसप्या नहीं तपस्या। वही मैं बोले तसप्या किया है म्यूजिक के में। हाँ तसप्या वही मैं बहुत किया है सर। पर मैं आपसे एक बात जानना चाहते हैं सर, आप लंदन में वो पियानो बजाना सीखे है ना? सर मैं खुद भी पियानो 50% बजाना सीख लिए, बस बाकी आप सिखा दो। मतलब 50%? मतलब मैं वो व्हाइट व्हाइट बजा लेते हैं। वो काला मेरे को जमता नहीं है एकदम। वो काला अक्षर बेस बराबर है मेरे लिए, मेरे से नहीं होते। भाई तुझे कोई म्यूजिक के बारे में नॉलेज है क्या? ऐसे आ गया मुंह उठा के। ब्रो क्या बोल दिए तुम यार, किससे बात कर रहे हैं? मुझे म्यूजिक में बहुत सारे वो कार मिले है, कार क्या जेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुरुष। पुरुष पुरुष पुरुषकार, मुझे बहुत सारा पुरुषकार मिले हैं। ये यू नो इन भिवंडी म्यूजिक फेस्टिवल मैं 4th आए थे। लेकिन सर म्यूजिक की मेरा दौलत है, मेरा लाइफ है, जीवन है। अच्छा वैसे सर दौलत से एक और बात याद आए, आप लोग को पता है सर आप लोग में और अर्चना जी में क्या कॉमन है? क्या सर? आप लोग म्यूजिक के नोट्स बनाते है, ये इधर बैठे बैठे नोट्स बनाती है। इधर सर आप गौर कीजिए, बातचीत हमारे चल रहे है लेकिन उधर उनका नोट छप रहा है। छप रहा है, पटना है, बिहार है, सब कुछ है उधर। सर मैं क्या, मैं ग्लोबली बहुत फेमस आदमी है ना, तो लोग मेरे को फोन करते रहते हैं। ओ सर जिम कैरी का फोन है, जिम कैरी लाइक द हॉलीवुड एक्टर। मैं बात करेंगे सर, एक्सक्यूज मी। हेलो जिम। हाँ जिम 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 जिम, शायद तुमको पता नहीं है 5 अगस्त से तुम खुल गए जिम। खुल जा जिम जिम, अभी तुम बड़े आराम से कसरत करने जा सकते हैं। लेकिन जिम कैरी सैनिटाइजर, कैरी ग्लव्स, कैरी अ मास्क, ओके? ऑलराइट जिम कैरी ऑन। चलो मैं फोन काट रही है। सर
मेरे बात हुए लेकिन सर मैं अभी तो जाने पड़ेगा, मैं थोड़ा सा बिजी है, मेरे को घर का झाड़ू काट का भी करना है, आजकल सब करने पड़ते हैं, तो मैं अभी निकले के सर, बट नाइस टू सी यू, नाइस टू सी यू, मैं बहुत बड़ा फैन है मैं, ऑलराइट यू टेक केयर, थैंक यू, सी यू, या ऑलराइट फॉर योर ग्रुप, टेक केयर फॉर आवर ग्रुप, या एक बार सलीम भाई और सुलेमान भाई के लिए जोरदार तालियां. थैंक यू सलीम भाई, थैंक यू सो मच. सुलेमान भाई थैंक यू सो मच. और इस माहौल में आप लोगों ने आके हमें इतनी खूबसूरत बातें की और इतने खूबसूरत गाने सुनाए. आई एम श्योर जो जनता है उन्होंने हंसी मजाक के साथ साथ गानों का बड़ा मजा लिया है. और आज इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है. सो दोस्तों, आज़ादी की एक लड़ाई वो थी जो हमारे देश के महान क्रांतिकारियों ने लड़ी थी. आज भी आज़ादी की एक लड़ाई चल रही है, सरहद पर नहीं, अस्पतालों में. सो कोरोना से आज़ादी की लड़ाई जो चल रही है और जिससे लड़ रहे हैं हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस. सो देश को पूरा भरोसा है कि हमें इस महामारी से भी आज़ादी मिलेगी, हमारी जीत होगी और हम कामयाब होंगे. तो हम कोरोना से लड़ रहे हमारे वॉरियर्स को सल्यूट करते हैं. आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और देश की सेवा में लगे रहिए. वंदे मातरम, जय हिंद. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.